गैस सिलेंडर में एक घर में लगी आग का वाकया पेश आया, जिससे घर में पड़ा सामान जल कर राख हो गया और आग की इस वारदात से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम कुमार पुत्र जयराम, जो पेशे से वाहन चालक हैं, वो अपने घर में गैस पर खाना बना रहा था और इसी दौरान गैस पाइप से गैस का सैराव हो गया, जिससे आग घर में फैल गई और जब तक आग को बुझाने में प्रयास किया तब तक आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया, जिससे घर में सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा भी नुकसान का जायजा लिया गया। अनिल गग्याल की खास रिपोर्ट। सर बताएं, अपना नाम बताएं। सर चैनलाल शर्मा जी। तो क्या वाकया हुआ जहाँ पर, जब सिलेंडर जहाँ पर सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने के कारण बहुत नुकसान हो गया है। जहाँ एक घर में कोई आदमी नहीं था, चलाने के बाद दुनिया इकट्ठी हुई, जिन्होंने थोड़ी हेल्प करने के कारण कुछ सामान तो कितना नुकसान हुआ इनका सर? ये तो सामान तो बचा ही कुछ नहीं, कपड़े भी शरीर के पूरे सड़ गए, जिसमें कोई मतलब आदमी पहुंचते तक तब तो गैस की आग थी, पूरा मकान भी अंदर पूरा डैमेज होने वाला है, वो सड़ के राख हो गया। टीवी सड़ गई है, तेल की केनियां सड़ गई है, कपड़े बच्चों के सड़ गए, ये पूरे कपड़े जो बच्चों के, हाँ, देख रहे हैं, और बक्से सड़ गए हैं पूरे। अच्छा। और कपड़े जो रजाइयां या कोई सामान ऊपर लेने में कंबल भी सड़ गए हैं कुछ। अभी आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं सर? गुहार ये लगाना चाहते हैं कि हमारी अगर कहीं बड़े आदमी तक कोई पहुंच, तहसीलदार या नायब तहसीलदार कोई भी आदमी तक पहुंचे, कि कोई गरीब बच्चों को थोड़ी हेल्प की। अभी तक आपने कहीं कंप्लेन की है इसके बारे में, FIR लगाई? सर FIR तो अभी तक कुछ नहीं लगाई, सिर्फ हमने गाड़ी मंगाई थी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उन्होंने थोड़ा पानी पूनी मारा। और सुखराम शर्मा, पंचायत दादी बी, मेरी बहू जो है वो सरपंच है, और मैं खुद आज आया हूँ जहाँ पर मुझे पता लगा है कि रात के समय सिलेंडर फटा है, इनका पूरा नुकसान हो गया, देखने के लिए आया हूँ। अब देखा इनका सब कुछ जो है जलकर राख हो चुका है, अब लिस्ट वगैरह बना रहे हैं, देख रहे हैं कितना क्या क्या है, लिस्ट सूची बनाएंगे तो आगे दे देंगे। कालाकोट नहीं जा सके। तो इस विषय पर आपकी किसी से बात हुई क्या, तहसीलदार साहब से या? नहीं सर, हमने किसी से अभी तक बात नहीं की, और हम फोन कर रहे थे लेकिन पूछा हमने कि हमारे जो ऑफिस ही बंद है, आज ऑफिस बंद होने के कारण जो हमारे नायब सरपंच थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी पूछा भाई क्या क्या प्रांत में सरपंच साहब भी आए हुए हैं, और हमने बताया कि सर ये आप देखो लो कि जो नुकसान हुआ है, कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं कि जहाँ कोई शिकवे वाली का नहीं। ये खबर मिली कि यहाँ एक रात का सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिससे यहाँ घर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमने देखा है कि अभी आप क्या इनको क्या राहत दिलवा सकते हैं कुछ उस विषय पर? हम इन्हें विश्वास दिलवाते हैं कि हम अभी प्रशासन से बात करेंगे, DC साहब से बात करेंगे, हम मीडिया के थ्रू